नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, राजनेता अगर कोई नेता को सबसे एक आसान काम है किसी व्यक्ति को, एक आम व्यक्ति को बेवकूफ बनाना। वो ऐसे बेवकूफ बनाते हैं कि आप किसी भी नेता के पास जाएंगे तो आपको एक बढ़िया सी चाय मिलेगी और एक आपके कंधे पे हाथ रख के दो चार बातें करेंगे, दो चार मिनट आपको अच्छे से इंटरटेन करेंगे। आपको लगेगा कि मेरा काम हो या ना हो, लेकिन ये इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा जनप्रतिनिधि है, मुझे बहुत मानते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। लेकिन आपकी फिक्र कितनी करते हैं आपके नेता, एक बड़ा सवाल उठता है। आपके जीवन में क्या बदलाव आए हैं जिन्हें आप अपने बहुत करीबी समझते हो, उन नेता के रहते हुए, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। आज हम बात करेंगे रामटेक विधानसभा क्षेत्र की। रामटेक विधानसभा नागपुर जिले के कुल 12 विधानसभाओं में से एक सबसे चर्चित विधानसभा क्षेत्र है। आने वाले अगले साल में चुनाव है विधानसभा, उसमें कौन से प्रत्याशी नए हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ इस वक्त विधायक हैं आशीष जायसवाल, जो महाराष्ट्र खनिकर्म के अध्यक्ष भी हैं। आशीष जायसवाल जी एक लंबे अरसे से यहाँ के विधायक रह चुके हैं और विधायक हैं, इन्हें एक अच्छा अनुभव भी है। चार बार इन्हें शिवसेना के कोटे से टिकट मिली, जिसमें से तीन बार ये चुनाव जीत गए। 2014 में गठबंधन टूट गया, अलग अलग चुनाव हुए और ये हार गए। वहाँ उस समय डीएम रेड्डी ये चुनाव जीत गए। उसके बाद 2019 में आशीष जायसवाल फिर लड़े और इस बार उन्हें टिकट नहीं मिली, तो 2019 में वो अपक्ष लड़े, इंडिपेंडेंट लड़े। सूत्र बताते हैं कि इस चुनाव में उनके लिए क्या शिवसेना, क्या बीजेपी, क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस, क्या कांग्रेस और क्या किसी भी दल का नेता हो, व्यक्ति हो, वो आशीष जायसवाल के लिए खुलकर काम किया था और इसलिए ये इंडिपेंडेंट ये चुनाव जीत गए, अच्छे खासे लीड से चुनाव जीते। अब सवाल ये उठता है कि आने वाले 2024 में जो चुनाव है उसमें महाविकास आघाड़ी की तरफ से कौन से कैंडिडेट हैं। महाविकास आघाड़ी की तरफ से इस बार दो कैंडिडेट अभी खुलकर सामने दिख रहे हैं मैदान में। एक राजेंद्र मूलक पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं, वित्त और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विभाग में काम कर चुके हैं, इसलिए इन्हें एक अच्छा खासा अनुभव भी है। पिछले 7 साल से विधानसभा में लगातार जनसंपर्क बनाए हुए हैं और अच्छा प्रतिसाद इन्हें मिल रहा है। इनसे मिलने वाले लोग बताते हैं कि मूलक बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं और मदद इस तरीके से करते हैं कि जिसे कोई गरीब की अगर किसी की तबीयत खराब है, कोई ऑपरेशन है, वो सक्षम नहीं है, सरकार से मदद चाहता है तो सरकार से मदद लेने में समय लग जाए, वो सरकार जितनी जल्दी मदद नहीं करती उससे जल्दी राजेंद्र मूलक मदद करते हैं, ऐसी चर्चा है। फिलहाल वो नागपुर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और इस बार राजेंद्र मूलक चर्चा का विषय बने हुए हैं। ठाकरेगढ़ से, शिवसेना ठाकरेगढ़ से विशाल बरवटे ये विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। विशाल बरवटे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक नामचीन व्यक्तित्व हैं। अपनी इनकी एक फाउंडेशन है, आर्या फाउंडेशन, जिसकी मदद से ये लोगों की काफ़ी मदद करते हैं, एक हेल्प करते हैं, एक समाज सेवा कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि आशीष जायसवाल जब सिंदेगढ़ को समर्थन दिए तो यहाँ पे उद्धव ठाकरे ने विशाल बरवटे को अपनी संगठन, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए नियुक्त किया। इन्हें विधानसभा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया और विधानसभा प्रमुख के रूप में नियुक्त होने के बाद विशाल बरवटे लगातार जनसंपर्क बना रहे हैं। और खास बात यह है कि इन्हें जनसंपर्क का, लोगों का एक अच्छा खासा प्रतिसाद, और बहुत जल्द, बहुत कम समय में एक अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। आशीष जायसवाल के अलावा ये दो कैंडिडेट ऐसे हैं, राजेंद्र मूलक और विशाल बरवटे, जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्रहार से 2019 में विधानसभा चुनाव लड़े यहाँ से रमेश कारेमर, लगभग 28,000 वोट उन्हें प्राप्त हुआ, एक अच्छा खासा वोट इन्होंने भी 2019 में प्राप्त किया। लेकिन प्रहार कुछ जगहों पे कमजोर नजर आ रही है। जो पंचायत समिति चुनाव लड़ चुके हैं ऐसे व्यक्ति, प्रहार के नेता, या फिर पारसिवनी तालुका के किसी भी बॉडी के किसी विंग के अध्यक्ष, वो ये दोनों पार्टी छोड़ चुके हैं और ये दोनों ठाकरेगढ़ के शिवसेना में शामिल हो गए। कन्हान नगराध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ चुकी पूर्व नगराध्यक्ष, जो प्रहार से अभी 2020 में नगराध्यक्ष के लिए दावेदार थी, चुनाव लड़ी थी, अच्छा खासा वोट उन्होंने भी पाया था, वो भी अब प्रहार छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुकी है। तो माना जाता है कि प्रहार को एक बड़ा झटका इस क्षेत्र से इस बार लग रहा है। इन सब के अलावा विधानसभा में कुछ नाम चल रहे हैं, जैसे पूर्व यहाँ के विधायक रहे डी मल्लिका अर्जुन रेड्डी, उदय सिंह यादव उर्फ गज्जू यादव, संजय सत्यकार किसान नेता माने जाते हैं, राम भाव दिवटे, ये कुछ नाम हैं जो इस वक्त माने जाते हैं कि विधानसभा में इनकी भी दावेदारी हो सकती है। अब सवाल ये और देखना ये है कि बीजेपी और शिंदेगढ़ के दावेदार आशीष जायसवाल के अलावा भी कोई और चेहरे सामने आते हैं, और महाविकास आघाड़ी से राजेंद्र मूलक या फिर विशाल बरवटे, ये दोनों में से कौन फाइनल होते हैं, कौन चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि इन सभी का जनसंपर्क अभी अच्छा है।
इसके बाद हम पब्लिक पोल भी लेंगे, लोगों से जानेंगे कि आखिर वो कितने खुश हैं, कितने नाराज हैं अपने क्षेत्र के नेताओं से, किन्हें पसंद करते हैं। सब पे हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ, सिर्फ NBCN न्यूज़ पे। जय हिंद।